ठीक है। कान सिंह पिता डाउ सिंह निवासी तीतरी चांदातो का बाड़िया जो एक जो सुमेलिया पंचायत का हूँ और भीम तहसील पंचायत समिति है। मैंने सूचना का अधिकार के तहत जब से कानून लागू हुआ उससे पहले भी मैं संघर्ष करता रहा और उससे जुड़ा, और जुड़ने के बाद मैंने एज को सरकार के सभी विभागों से सूचना मांगी। हमारे समेलिया पंचायत के अंदर है जो सरपंच से ही शुरू हुई थी और जिस टाइम मैं एमकेएस के साथ लग करके और उनका संघर्ष किया तो लोगों को मस्ट्रोल में तो 22 रुपये चढ़ा रखे और मजदूरों को 11 रुपया रेट चुका ही और कई नामों के फर्जी नाम लग रखे थे। एक ही आदमी का मस्ट्रोल में 2-2 बार नाम था एक ही पखवाड़े में। सुंदर सिंह भंडारी के कोटे के 60,000 रुपये जो आज 2095 में जो वो सरपंच खा करके बैठी है उसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं हुआ उसकी है जिसको सबकी शिकायत कलेक्टर के पास पड़ी है मगर कलेक्टर आरा मार करके बैठा है, सुनाई नहीं करता है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ना भारत सरकार सुनती है ना राज्य सरकार सुनती है, कोई अधिकारी नहीं सुनते। मैंने एंटी करप्शन को भी दे रखा हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हो कान सिंह जी? मैं तो मात्र 5वीं चिट्ठी पढ़ा हुआ हूँ साहब। तो ये सूचना का अधिकार कानून आपको कैसे लगता है कि ये कानून? नहीं, कानून तो बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार पर पर्दा उठता है मगर प्रशासन भ्रष्टाचार में दिन बे दिन डूबता जा रहा है। फिर नेता कमीशन ले रहे हैं तो प्रशासन भी तो भ्रष्टाचार करेगा। अब एक मुझे अजमेर से एक है जिसको सूचना मांगी हूँ मैंने पुलिस कार्यालय ग्रामीण अजमेर से अधीक्षक से। अब वहाँ है जिसको मेरे को है जिसको 6 पेज 12 रुपये जबकि मैं BPL हूँ, 6 पेज और वो 12 रुपये है जिसको शुल्क मांग रहा है उसमें। अब पोस्टल ऑर्डर से मिलूँ तो 2 रुपये का पोस्टल ऑर्डर तो कल से मिलता ही नहीं है। अब मुझे 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा है तो मेरे तो 8 रुपये तो वैसे ही गए, मेरे 8 रुपये का कौन देनी? तो ये इस तरह का है जिसको हो रहा है कि प्रशासन इस तरह का कर रहा है जबकि मैं BPL हूँ, मुझे निःशुल्क मिलना चाहिए मगर प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है। इसीलिए साहब हम तो इस सूचना का अधिकार तो बहुत अच्छा है मगर इस शासन और प्रशासन से दुखी है, दोनों भ्रष्ट है शासन और प्रशासन।